हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और ये देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं पूरे। और सुबह पहले मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे मशीन लगा करके, बहुत सारे, तो यहाँ पर मैं उनको फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि बाकी सारा काम फिनिश हो चुका है। पूजा करके आई थी तो ये कपड़े खाट के ऊपर पड़े थे, मैंने सोचा इनको फोल्ड कर लेते हैं। और राखी मेरे पास बैठी है, हम दोनों बात करते जा रहे हैं, साथ साथ काम करते जा रहे हैं, अच्छा लगता है। और मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, देखिए अच्छी लग रही है ना, मुझे अच्छी लग रही है, आप लोग बताना कमेंट करके। और सिर पर पल्लू नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी अंदर, जब मैं बाहर से सारा काम फिनिश करके आई तो मैंने पल्लू जो है वो नीचे कर लिया था क्योंकि यहाँ पर कोई था ही नहीं। और ऐसे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके रहना भी अच्छा लगता है। और सारे कपड़े फोल्ड करने के साथ साथ मैं आज दिन में जो मेरी इधर अलमारी रखी है ना, मैंने रुद्रपुर से आई थी छोटी वाली, उसको अरेंज भी करूँगी क्योंकि वो मैंने अरेंज नहीं किया, उसमें कपड़े ऐसे ही बस ठूस के भरे हुए हैं। ठूस के भरना समझते हो ना, मतलब जो सामने आता है उसको ऐसे ही बस घुस देना इसके अंदर, तो वैसे ही कर रखे हैं। और इन्वर्टर भी सेट नहीं किया है, बैटरी ऐसे ही रखी हुई है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको टाइम लगेगा अभी सेट होने में, तो धीरे धीरे हो जाएंगी। और बच्चों को नहलाया था तो ये टॉवल वगैरह चारपाई पे पड़े हैं, इनको भी अब अरेंज करूँगी। मतलब जो छोटा मोटा काम होता है ना वही बचा है, बाकी सारा काम फिनिश हो चुका है। अब ये सारा काम फिनिश किए बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। बस बात ये है कि ये फैला पड़ा है ना, ये जो कपड़े फड़े हैं, मतलब इनको सबको अरेंज करने के बाद ही खाना खाएंगे, तब तक खाना अच्छा नहीं लगेगा, पेट भर के खाना खाया ही नहीं जाएगा। मतलब यूँ होगा बीच में ही छोड़ दूँ बस, पहले ये करूँ। हैं? हम बाहर ना जाके बना दूंगा। अच्छा, ये क्यों होने लग रहे है? हैं? मेकअप मेकअप बहुत गुणों मेकअप करो तुम तो, बहुत गुणों। 1 घंटा जी तैयार हो रहे हो तुम? बावली बूच मुंबई से कमेंट आ रहे हैं। मुंबई नहीं, फिजी सी बड़े फिल्मा खातर बुला सकी वे बेरो आपने कठे बावला हो रहे हो आप। मतलब यह तैयारी जब मुंबई से किसी आदमी के पास पहला फोन आवे जिंदगी में तो उनको तो सीधी एक ही चीज दिमाग में लगी, तेरी मुंबई फिल्म बड़े बड़े ओ भाग्य हमारे जदी। मतलब तैयार तू रो के आजकल घना स्टाइल वाला लग गया के वेरो सुनो मरन देखो के वेरो कितने न कितने कोई ना कोई सेटिंग हो जाए वो उसमें केवल ही ना मूवी में बढ़िया बढ़िया हीरोइन भी सुनी सुनी है ना। फिल्म बनेंगी हीरो ना से क्या मतलब है आपने? अच्छा फिल्म बन मतलब हीरो बनना है आपने? सादा जीवन उच्च विचार। अच्छा फिल्म बनाऊंगा आप पाचे मन तो भूल जाओ तुम टेंशन मत ले, आपने ले चालू हो इन्हें भैया बड़े झाड़ू बचत कर ले। बकवास मत करो, मैंने झाड़ू पोछा लगा होगा देख यार, जब मैं बैठे रहूंगा मक्का होटल में रूम देंगे, होटल में झाड़ू पोछा तो और ही लगाएगा। लेकिन मतलब हीरो थम रोगा और मैं उठे होटल में झाड़ू पोछा करूंगी। हीरो की वहां कौन है? असिस्टेंट है। असिस्टेंट मैं रहूंगी और झाड़ू पोछा करूंगी साथ साथ, मतलब पार्ट टाइम बिजनेस। यार वो तो है ही, आपने आप जिस मकान में रहेंगे मतलब अपन ही करेंगे और दूसरा कौन करेगा? देखो बात पलट गया। देख लो के साजिश चल रही है मेरे खिलाफ, के प्लानिंग चल रही है कि मन छोड़ छाड़ के जाने की तैयारी नहीं। सेट कैसा लगा इनका ये लुक बताना, सच में कमेंट करके बताना है सबको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और है ना अंडे अपनी मुच्छा सी बहुत प्यार है, कई देर हो गई मुच्छा ने पहना था, छोटी करी है ना दाढ़ी करी थी फिर मुँह छोटी कर लिया, देखो थोड़ी छोटी करी, वैसे अच्छी लग रही है, ज्यादा बड़ी है ना उनसे ना थोड़ा मतलब नू लगे जना, मैंने थोड़ी एज ऐसा लगे जना बहुत ज्यादा एज दिखानी है। ऐसे तो भाई है जकी दिखेगी, मैं कैसे इतनी थोड़ी ना है मुच्छा सी ज्यादा दिखेगी, मुझ बड़वा से ज्यादा दिखेगी, कोई ज्यादा दिखने लग जाए मुझे, मुझ काट ले तो शायद मैं 7-8 साल को लग लगे मुँह घना मजा कौन ना मेरा घना मजा की बात आप ही कह रहे हो, मुंह बड़ी दिखे जना ऐसे दिखा है तो जो साफ ही कर लिया तो शायद 7-8 साल को दिखूं, गोदी लेके चला करो फिर। और एक चीज और बताऊं आप लोगों को, आज मैं है ना ये बाली लेके आया था ना, जब मैंने महेंद्रगढ़ छोड़ के आया आराम था टाइम बाली खरीद के लाया, मैं इनको वीडियो देखे हो, वो वीडियो देख के मैं भी इनको दंग दंग सी चिपड़ी चेपी थी, बस मैं बताई को नहीं बताऊं, मैं भी लेके आई थी पजेब ये देखो, नहीं नहीं ठीक है ना यो तो मैंने बेरो है वो इसके कने पुरानी चांदी पड़ी थी पाजे पुजे वो दिया ही ले आई, अरे इसी कंजू से मैंने बेरो बताऊं पुरानी पायल थी ना वे दिल्ली हो गई थी, तो मैं सोची आगे देख आप अभी ले आओ ये कान की वाली लेके आया ना, जब थोड़ा मेरे हौसलो बढ़ेगा मुख लिया हुआ नहीं, मैंने कई बार कह चुका था चल पायल लिया। एक बार तो मेरे धड़को से लागे पापा अर्जुन जी ने फोन करे
बोले पुरानी पाजी देख के आया है ये ले आया है रजुठा 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 के है मैं जानू हूँ झूठ बोल रहे हैं ये अर्जुन जी अर्जुन ने बेरो को ने मेरे जीजी के लाई के कुन लाई भाई कोई ध्यान रखे होगा अच्छा ठीक है जना मैं सही थे झूठा बस मैं सही तुम झूठा चलो बाय अब ये जा रहे हैं बाहर बाहर आगा को भी लोगन का चैनल पे मिलेगा दुखी दोनों हो लिया एक साथ बोले चलो बाय ये देखो दोनों बाप बेटा सेम सेम हाँ ओहो बाय सेम सेम कलर नहीं उमा के पास रुक जाएगा बेटा पापा तो दूध लेने जाएंगे दूर पैदल पैदल आजा अच्छा अच्छा शिवांश क्या बनाऊँ पापड़ सेक के दूंगी भाग क्या और ये आलू की वो ही छिलके वाली सब्जी बिना छिलके उतारे मतलब आलू की सब्जी बनने लग रही है और उधर आई है माँ क्या को फूल बता रहे हो इंडिया इंडिया इंडिया, इंडिया का फूल हाँ। कहाँ है इंडिया का फूल पत्ता इसके, ओहो पत्ता ये इंडिया का फूल है ये इंडिया का फूल लगाया भाई शिवांश ने हाँ है तू गई ही पानी तो शिवांश का लगो ना क्या को फूल है मम्मी की है यो ये बोझो है यो एक पत्ता का फूल तो आऊंगा बे बेकार लेकिन पत्तो सोनो है पत्ता पत्तो रहे हैं को पत्तो इंडिया है पत्तो इंडिया का नाम देखो इंडिया इंडिया और ये देखो शेर उडोल गए मैं पंजा छापी को ये मैं आया वाणी तो लगाई है मैं पालक ठीक है और अया वाणी खूड बनाए ही ये धनिया का बनाए मिर्च मिर्च और मेथी बठी ना बिम बाऊंगी मिर्च हम छोत पड़े है ना तो आज है दिव्या का बर्थडे दिव्या जो है वो संतोष कुमारी जी की बेटी हैं जो कि 6 साल की हो जाएंगी आज तो उनको हमारी पूरी YouTube की मतलब जो फैमिली है उनकी तरफ से सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे बेटा आपको आपके जीवन में सारी खुशियां मिले जो भी आप अचीव करना चाहो हर एक चीज़ आपको मिले और भगवान आपके साथ हमेशा रहे आप हमारा यही आशीर्वाद है हमारा और हमारी पूरी YouTube फैमिली का लो जी शाम के 7:30 बज लिया ना 7:30 बज लिया और देखो चांद नो देखो सुबेर भी वो मतलब टेम सी पहले दिन गया है 4 बजे हो जाए है रात ने जा को नहीं सूरज देवता तारा ताई मतलब रात तो ओडे को है दिन पूरे लंबो निकल जा पहाड़ का मान दिन भगवान यो पहाड़ का मान है काटे कुट्टा ना बंदे बंदा है ना और ये मैंने कुर्ता पहन रखा है आरती का पता है ये कुर्ता आरती का है मैं वहां गई ना जो आरती ने दिया था मेरे को मेरी छोटी सिस्टर जो लोग नहीं जानते उनको बता देती हूँ प्रतीक की आरती नाम से ही उसका चैनल है तो उसका कुर्ता है ये उसको फिट नहीं आ रहा था अब वो मोटी हो गई मैं पतली हो गई तो उसने मेरे को दे दिया मैंने पहन लिया उसका और मैं साड़ियाँ भी लेके आई उसकी उसने मतलब उसने पहन ली थी और फिर अब मैं पहन लूँगी मुझे अच्छा लगता है मैं तैयार नहीं करती वो तैयार करती है मैं पहनती हूँ ठीक है तो मैं आटा लगा लेती हूँ और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है अपनी और शर्मा जी गए हैं एक पार्सल पापा जी अड्डी बत्ती फटो उरा सी देखो की कर रहे हो निकलो उराने मारूंगी अगर गए तो पानी करे नाक के उरे घूमड़ी होगी कोलगेट लगा रखी है ना चली सब्जी तो छूक दी बिट्टू पूजा करना है वो है कबूतर के उरे हो रही तो मैं टूटी खोल के आ गई टूटी बंद कर दे शिवांश मारूंगी नहीं मैं तो शर्मा जी गए हैं एक पार्सल आने वाला है वो पार्सल लेन ब्याज ही दिखा थोड़ी बहुत देर में बायला चारा भी करके बायला चारा भी करेगा बायली चारा करके आएगा कन्हे दी पिट्टू के बायली चारा भी करके आएगा तो मैं लगा लूँ ऑटो
तो यहाँ पर नाइट का टाइम हो गया था और आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है क्योंकि इसी तरीके से शूट हुआ है। तो यहाँ पर मैं बनाने लग रही हूँ रोटियाँ और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे मेरा आज आप मतलब आज तक आप लोग साथ देते आए हैं ना, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसी तरीके से अपना साथ बनाए रखेगा। मेरे को जो शुरू से लोग देखते आ रहे हैं उनके कमेंट्स जब मैं रीड करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए डिस्टर्ब है तो थोड़े से कमेंट्स के रिप्लाई कम हुए हैं, नहीं तो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। और बहुत जल्द मैं फिर से आप लोगों के रेगुलर रिप्लाई करने लगूंगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू।